अमित जोगी ने अस्पताल से उन्हें जबरिया डिस्चार्ज करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उनका बीपी असामान्य होने और अन्य बीमारियों की वजह से आधी रात को अपोलो में भर्ती कराया गया था। अब अमित ने अस्पताल से एक वीडियो जारी कर डॉक्टरों पर डिस्चार्ज के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मेरा जो सोडियम लेवल है वो आप रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, 138 है जबकि 135 होना चाहिए। मैं ठीक से जाग नहीं पा रहा हूँ, मेरे को लगातार नींद जैसी आ रही क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्होंने दवाइयाँ बढ़ा दी हैं। और उसके बावजूद क्योंकि माननीय न्यायालय ने परसों मेरा मेडिकल बेल पे हियरिंग रखा है, प्रशासनिक दबाव के कारण ये लोग मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध डिस्चार्ज कर रहे हैं। कभी आपने सुना है ऐसा कि रिपोर्ट पूरी आई नहीं हो और मरीज को बोला जा रहा है कि ठीक है 4 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आएगी तब हम देख लेंगे, अभी आप डिस्चार्ज होकर चले जाइए। इस हद तक भूपेश बघेल जी की राजनीति का हस्तक्षेप है कि एक स्वतंत्र अस्पताल अपोलो जैसे अस्पताल के सीईओ के ऊपर दबाव बनाकर जबरिया मुझे डिस्चार्ज कराया जा रहा है। मैं अभी अपनी पत्नी और सास और अपने साले के साथ बैठा हूँ, इनको अनुमति मिली है जेल विभाग से मुझसे मिलने के लिए। ये तीनों गवाह हैं, मैंने अपने निजी डॉक्टरों को भी बोला है कि वो सारे रिपोर्ट्स देखें, क्या मैं बेहतर हूँ, क्या मेरा बीपी कंट्रोल में हुआ है नहीं हुआ है। अभी भी 3 गुना ज़्यादा दवाई बढ़ा देने के बाद मेरा 130-90 है, जहाँ मैं जागते रहता था इतनी ज़्यादा इन्होंने दवाइयाँ बढ़ा दी हैं। मैं हर आधे घंटे में मुझे झपकी हो जाती है, मैं सो जाता हूँ, मुझे उठाना पड़ता है किसी को, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मैं फिट हूँ और मुझको डिस्चार्ज कर दो। जबरदस्ती इस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो जो भी हो रहा है ये बिल्कुल ही अनुचित है। ये बदले की भावना की भी एक सीमा होनी चाहिए। अभी तक मुझे लगा था कि भूपेश बघेल जी मेरे पीछे मेरे परिवार के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, पर ऐसा लग रहा है तो नहा धो के मेरे पीछे पड़े हैं। तो मैं यहाँ बैठकर आपको ये मेरी जो पत्नी है, मेरी सास है, मेरे ये हैं, आज रात मेरी माँ भी मुझसे मिलने दिल्ली से रवाना हो गई है, मेरे पिताजी का वहाँ उपचार चल रहा है, ये सब चीज़ें इनको नहीं समझ में आ रही हैं, केवल मेरे को डिस्चार्ज करना है। तो मैं ये चाहूँगा कि या तो मेरा सेकेंड मेडिकल ओपिनियन लिया जाए कि क्या मैं डिस्चार्ज लायक हूँ। स्वतंत्र रूप से माननीय न्यायालय चाहे तो मेडिकल बोर्ड का गठन करें और चेक करें कि क्या मेरी हालत वास्तव में डिस्चार्ज करने लायक है। सारी रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है, और ये बोलते हैं 4 दिन बाद रिपोर्ट आएगी फिर हम आपको देखेंगे। अगर मेरे को सीजर हो गया, मेरे को हेपेटाइटिस बी है, उसका एक्टिव हेपेटाइटिस बी है, उसकी अभी तक इन्होंने जांच तक नहीं करी है और डिस्चार्ज करने की बात बोल रहे हैं, तो ये सब मैं चाहता हूं कि जनता के समक्ष ये बात जाए।